नमस्कार, पक्षियों की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानी में रहने वाले एक पक्षी की, जिसका नाम है स्पॉट बेल डक। हिंदी में इसको गुरगुल बतख तथा संस्कृत में घर घर हंसक के नाम से जाना जाता है। भारत में यह एक स्थानीय पक्षी है जो देश के करीब करीब सभी राज्यों में पाया जाता है। इस पक्षी का नाम स्पॉट बेल डक इसकी चोंच पर स्थित लाल चिन्ह या स्पॉट के कारण पड़ा है। इसके पिछले हिस्से में एक चमकीली हरे रंग की पट्टी दिखाई देती है, जिसके दोनों तरफ सफ़ेद रंग का पट्टी भी होती है। बतखों की ये प्रजाति बहुत बड़ी झीलों के बजाय छोटी झीलों, तालाबों व जोहड़ों आदि जलाए वनस्पति वाले जगहों में पसंद करती है। इन बतखों को डबलिंग डक कहते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने भोजन के लिए गोता नहीं लगाते, बल्कि हवा में अपनी पूंछ के साथ अपने सिर को पानी के नीचे डुबोते हैं। ये भी भोजन के लिए सूखी भूमि का पर चढ़ते हैं व बीज, घोंघे, घास और जलीय पौधे खाते हैं। उन्हें सामाजिक बतख माना जाता है और वे 40 या 50 के अधिक समूह में पाए जाते हैं। इन पक्षियों का प्रजनन का समय जुलाई से सितंबर तक होता है। इस समय नर पक्षी मादा के साथ साथ पानी में तैरता है। मादा पक्षी पानी के तलहटी पर वनस्पति में छिपकर घास के घोंसला बनाकर अंडे देती है। मादा पक्षी 7 से 10 अंडे तक देती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे एक और पक्षी के बारे में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।